एक प्रॉफिट के साथ, और वो रुका रास्ते में, और रास्ते में रुके एक लड़की आई, उस लड़की को $10,000 उसने दिए, 10,000 से भी ज्यादा शायद थे। उसने कहा ये किसके लिए? कहता ये मुझसे प्रेग्नेंट हो गई है, मैं इसका मुंह बंद करने के लिए पैसे दे रहा हूं। आपने खंबा पकड़ा है हाँ? आप सोच रहे मैंने चर्च में खंबा पकड़ा है हाँ? लोग देखते हैं आपने खंबा पकड़ा है, आपको मालूम है आपने खंबा पकड़ा है, लेकिन अगर जीवन नहीं बदला तो परमेश्वर को नहीं मालूम आपने खंबा पकड़ा हाँ? आप गा रहे हैं हालेलू, लोगों को मालूम है गा रहे हैं, मुझको मालूम है गा रहे हैं, उसको मालूम है मैं गा रही हूं, पर प्रभु को नहीं पता वो गा रही है, उसको नहीं मालूम। ओके मैंने प्रभु मैं तो बड़े वधिया गांधी सी, तो लोगों ने मैं तेनों जानते ही नहीं, कौन है तू, मैं तेनों जानते ही नहीं, आई डोंट नो यू। मिनिस्ट्री करना अच्छा है लेकिन उसकी रजा में रह के करना, नहीं तो रोकेगा मैं तुझे जानता नहीं हूं। हालेलुया। हमें गेम्स खेलनी बंद करके परमेश्वर के साथ कुछ सीरियस लाइफ बितानी चाहिए ताकि सीरियस रिजल्ट हमारी लाइफ में हो। मेरे एक आत्मिक ब्रदर का फोन आया मुझे अफ्रीका से, कहता मैंने एक बात करनी, मेरे दिल में बड़ा बोझ है। मैंने क्या हुआ? कहता मैं गाड़ी में जा रहा था एक प्रॉफिट के साथ, और वो रुका रास्ते में, और रास्ते में रुके एक लड़की आई, और उस लड़की को $10,000 उसने दिए, 10,000 से भी ज्यादा शायद थे। उसने कहा ये किसके लिए? कहता ये मुझसे प्रेग्नेंट हो गई है, मैं इसका मुंह बंद करने के लिए पैसे दे रहा हूं। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा ऐसा मसा, ऐसी इंपार्टेशन भाड़ में जाए जो तुम्हें नरक में ले जाए। क्या करोगे वरदानों को लेके गए नरक में जाने हैं तो? बाइबल कहती वरदान जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए, और कलीसिया को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए है कि जो काम यहां पे हो रहे हैं वो खुदा कर रहा है, और हमें पापों से मन फेर लेना चाहिए, और हमें मन फेर के परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए और अपने गुनाहों को छोड़ना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले शब्द अपने प्रीचिंग में बोले थे मन फिराओ, फिराओ इसको, क्योंकि उसका राज्य नजदीक है। पर आज पब्लिक को और डीप प्रोफेसी चाहिए, और डीपर पापा, डीपर पापा, और पापा क्या कर रहा है उसको मालूम नहीं, और किस फेसबुक से आ रही ये भी नहीं मालूम। आपको प्यार करना है परमेश्वर से, और अगर आप लव करेंगे खुदा के साथ, लिखा तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ क्या करूंगा? तुझे छुड़ाऊंगा, वो कुछ भी क्यों ना हो, डीपर से डीपेस्ट गड्ढा क्यों ना हो, कर्जा क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, निराशा के तह तक तुम क्यों ना हो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसने कहा ऐसा बाइबल में, कहता अगर तुम मुझसे प्यार करे तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा।